भी वीडियो दिखता है जहां पे ऐसा गलत ट्रोलिंग हो रही है, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट करोगे वो वीडियो को। एंगेजमेंट इंस्टाग्राम पे इनसे ज्यादा, हर जगह पे इनसे ज्यादा, फेस वैल्यू इनसे ज्यादा, तो व्हाई नॉट यूज दिस टाइम और यूट्यूब पे आ जाना चाहिए अब तक अपने को और अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और कंटेंट देना चाहिए और वहां पे भी मचा दो यार। गाइस वेट किस बात का कर रहे हो? बहुत पैसा लेते फिर तो पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और पहला अपडेट ये है कि अगली एवेंजर्स में यानी एवेंजर्स 5 में हल्क एज द मेन विलन दिखाया जाएगा। मुझे पता है काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये प्रोफेसर हल्क क्या ही लड़ेगा पूरी एवेंजर्स की टीम से, लेकिन ऐसे रूमर्स हैं कि एवेंजर्स 5 की जो स्टोरी होगी वो वर्ल्ड वॉर हल्क पे बेस्ड होगी, जिसमें क्या होता है वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए और वर्ल्ड वॉर हल्क सर्च कीजिए, बहुत सारी आ जाएंगी कॉमिक्स वर्ल्ड वॉर हल्क पे। उस टाइम हल्क एक वर्ल्ड ब्रेकर मोड में चला जाता है। क्या होता है कि टोनी स्टार्क, ब्लैक बोल्ट और रीड रिचर्ड्स हल्क को दूसरे प्लैनेट पे भेज देते हैं और वो इसलिए भेजते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हल्क फ्यूचर में सबके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बेसिकली खतरा बनेगा। तो फिर हल्क वापस आता है अर्थ पे और पूरे एवेंजर्स की बैंड बजा देता है और उस टाइम वो वर्ल्ड ब्रेकर मोड में चला जाता है। तो ऐसे रूमर्स हैं कि एवेंजर्स 5 में हल्क एज द मेन विलन दिखाया जाएगा। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले हमने सोल स्टोन को ना देखा था, ना हमें उसके बारे में कुछ पता था कि ये कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, और हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्या पता कैप्टन अमेरिका की आंखों में हो जो हमने ये ट्रेलर के सीन में देखा था। हाँ, बहुत ऐसे रूमर्स फैल रहे थे कि कैप्टन अमेरिका के अंदर ही सोल स्टोन होगा या वही खुद सोल स्टोन होंगे। तो इस बात पे रूसो ब्रदर्स ने कंफर्म किया है कि हाँ, वो भी पहले यही सोच रहे थे कि कैप्टन अमेरिका को एज अ सोल स्टोन बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो थैंक्स टू कोरोना, क्योंकि अगर कोरोना नहीं होता तो हम अब तक ब्लैक विडो की मूवी देख भी चुके होते, बट चाइना वालों ने सब प्लान चौपट कर रखा है। कोई नहीं, हम प्रे ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। तो प्रे करो कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो और हमें ब्लैक विडो November 6, 2022 में देखने को मिले ये मूवी। तो इस साल हमें सिर्फ मार्वल की तरफ से एक ही मूवी देखने को मिलेगी और एक ही शो देखने को मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, जिसका नाम होगा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। और इस साल हमें फॉक्स स्टूडियोज़ की तरफ से द न्यू म्यूटेंट्स भी देखने को मिल सकती है, डेट कुछ कन्फर्म नहीं है। और अगले साल की अगर हम बात करते हैं तो अगले साल तीन मूवीज़ हमें देखने को मिल सकती है। February 12 द इटर्नल्स, मॉर्बियस March 19, 2021, शैंगची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स May 7, 2021, वेनम लेट देयर बी कार्नेज June 25, 2021, स्पाइडरमैन Spider-Man Part 3 November 5, 2021, थॉर लव एंड थंडर February 11, 2022 को ये मूवी रिलीज होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस March 25, 2022 को रिलीज होगी। ब्लैक पैंथर 2 May 6, 2022 को और कैप्टन मार्वल July 8, 2022 को। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स पार्ट 2 October 7, 2022 को। और ब्लेड का कुछ कंफर्म नहीं है, ये शायद 2022 और 2023 के बीच में हमें मिल सकती है। और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की एक अलग से स्पिन ऑफ मूवी बनेगी इस करेक्टर पे, इस करेक्टर का नाम मैं भूल गया हूँ, आई थिंक ग्वेन है, हाँ ग्वेन है इस करेक्टर का नाम, अगर आपने मूवी देखी है तो आप पहचान ही गए होंगे, और इसकी स्पिन ऑफ बनेगी। और अगर हम बात करें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के शोज़ की, मार्वल की शोज़ की जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आएंगे, वो सारे हमें अगले साल देखने को मिलेंगे। लोकी हो गया, वांडा एंड विजन हो गए, और क्या क्या हो गए, व्हाट इफ, इतने सारी सीरीज़ हमें अगले साल देखने को मिलेगी 2021। और इस साल हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखने को मिल सकती है। तो अगला अपडेट
ब्लैक एडम की तरफ से, जो कि डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द मेन विलन है, और इसकी जो पावर्स है वो एग्जैक्ट सिमिलर है शज़ैम से। बस आप ये समझ लीजिए कि ये शज़ैम का एक नेगेटिव वर्जन है। और इस पर भी हमें एक सोलो मूवी देखने को मिल सकती है 22 दिसंबर 2021 में ब्लैक एडम रिलीज़ होगी। अगर ये कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो गया तो हमें इसी डेट को मिल सकती है, नहीं तो ये क्या पता और डिले हो। और इस मूवी में जो मेन लीड में है, मतलब जो ब्लैक एडम प्ले करने वाले हैं, वो हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन। तो हम सभी को पता है कि मार्वल एक टाइम पे बहुत ही गरीब था, और अपने गरीबी के वक्त वो अपने सारे कैरेक्टर के राइट्स अलग अलग स्टूडियोज़ को बेच दिए थे, ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर के राइट्स। और फैक्ट ये है कि 1984 में सेम यही कंडीशन डीसी के साथ हो रखी थी। डीसी उस टाइम उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने सारे कैरेक्टर के राइट्स इंक्लूडिंग बैटमैन, जोकर, सुपरमैन, वंडर वुमैन और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स के राइट्स हम मार्वल वालों को दे दें। ये डील होते होते रह गई थी, पता नहीं ये डील क्यों नहीं हो पाई एंड में, बट ऑलमोस्ट मार्वल ने डीसी को खरीद ही लिया था।